गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू थर्ड लेक्चर ऑफ कूलिंग टावर। फ्रेंड्स, आज कूलिंग टावर का तीसरा लेक्चर है जिसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कूलिंग टावर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। आज के बेसिकली इस क्लासिफिकेशन का हमारा बेसिस है आपका एयर और वाटर के फ्लो की डायरेक्शंस के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। आफ्टर दैट हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझेंगे जिसका आगे के कूलिंग टावर के लेक्चर्स में बार बार रिपीटेशन होगा, जिसमें एक है आपका वेट बल्ब टेम्परेचर और एक होगा आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा पॉसिबल है उतना ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कूलिंग टावर की क्लासिफिकेशन की। सो फ्रेंड्स, अगर हम कूलिंग टावर का क्लासिफिकेशन की बात करते हैं डिपेंडिंग ऑन द फ्लो ऑफ एयर एंड वाटर, वाटर और एयर के फ्लो के बेसिस पे अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो बेसिकली हम इसको दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है मेरा क्रॉस फ्लो एंड सेकेंड होता है मेरा काउंटर करंट फ्लो। क्रॉस फ्लो के केस में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था पीएचई, जहां मैंने आपको हीट एक्सचेंजेस बताया था, क्रॉस फ्लो के केस में दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर में होते हैं और काउंटर करंट फ्लो के केस में दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। दोबारा रिपीट करता हूं फ्रेंड्स, क्रॉस फ्लो के केस में दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल्स पे होते हैं और काउंटर करंट फ्लो के केस में दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल्स पे, मीन्स जस्ट एक दूसरे की डायरेक्शन के रिवर्ट में होते हैं। सो फ्रेंड्स, इन दोनों के बारे में हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में बेसिकली डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर में बेसिकली पहला था मेरा कोकरेंट टाइप। सो फ्रेंड्स, अगर मैं कोकरेंट टाइप की बात करता हूं तो फ्रेंड्स ये देखिए, आप ये ऊपर वाला एग्जांपल आप देखिए, ये है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कोकरेंट कूलिंग टावर। सबसे पहले इसको इंड्यूस्ड ड्राफ्ट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज फैन जो है वो मेरा टॉप पे लगा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में समझाया था। सो फ्रेंड्स, जिसने भी मेरा वो लेक्चर मिस किया है प्लीज मेरा लेक्चर 2 जरूर देखिएगा। जहां पे भी मेरा ये फैन टॉप पे लगा रहता है उसको बेसिकली हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। रीजन इज दैट फैन आपका हाई वेलोसिटी से रोटेट करता है जिसकी वजह से आपका निगेटिव ड्राफ्ट क्रिएट होता है या फिर स्लाइट वैक्यूम का जोन क्रिएट होता है जो इस एयर को फोर्सफुली अंदर की तरफ मूव कराता है। इसीलिए हम ऐसे कूलिंग टावर को बोलते हैं इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। सो फ्रेंड्स, इस केस में आप देखेंगे तो ये देखिए, ये आपकी एयर यहां से एंटर की और ये आपका ऊपर से पानी गिर रहा है। सो फ्रेंड्स, इस केस में आपका जो एयर की डायरेक्शन है, ये देखिए, एयर आपकी एंटर करके इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव की और जो पानी है वो पानी आपका नीचे की तरफ मूव किया। सो दोनों की डायरेक्शन से एक दूसरे की, ये देखिए फ्रेंड्स, दोबारा मेरे पॉइंटर को गौर से देखिएगा, एयर आपकी एंटर की और एंटर करके एयर आपकी इस डायरेक्शन में मूव करेगी और पानी आपका इस डायरेक्शन में मूव करेगा। सो फ्रेंड्स, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। सो इस तरीके के मूवमेंट को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। फ्रेंड, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, इस केस में बीच में हमने यहां पे डायरेक्टली हमारा वाटरफॉल कर रहा था, इस केस में बेसिकली हमने बीच में फिल्स लगा दिए हैं जिसका काम रहता है बेसिकली हीट ट्रांसफर एरिया, आपका कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ाना हॉट वाटर और एयर के बीच में। सो फ्रेंड्स, सेम केस यहां पे हुआ, आपका हॉट वाटर फिल्स के थ्रू मूव कर रहा है और एयर आपकी जस्ट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। सो फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी केस जहां पे आपका हॉट वाटर और आपका एयर दोनों एक दूसरे से जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, ऐसे फ्लो को बेसिकली हम बोलते हैं काउंटर करंट फ्लो। सो फ्रेंड्स, ये हुआ काउंटर करंट फ्लो का एग्जांपल। अब फ्रेंड, नेक्स्ट में बेसिकली मैं आपको समझाऊंगा क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर। फ्रेंड्स, इस डायग्राम को गौर से देखिए, सेम ऊपर फैन लगा हुआ है लेकिन इस केस में आप देखेंगे तो फिल्स फ्रेंड्स मेरी इस तरीके से लगी हुई है। ऊपर के डायग्राम्स में देखिए फ्रेंड, फिल्स मेरी इस तरीके से लगी हुई थी, इस केस में फिल्स मेरी अलग शेप की होती हैं, इस तरीके के शेप की मेरी फिल्स होती हैं, जिसकी वजह से फ्रेंड्स क्या होता है, आप देखिए ये फिल्स है, ये आपकी एयर आई और एयर आपकी ऐसे, एयर आपकी इस तरीके से आ रही है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो वाटर है, वाटर आपका देखिए यहां से ऐसे गिर रहा है, मीन्स एयर आपकी ऐसे मूव कर रही है तो वाटर आपका ऐसे मूव कर रहा है। फ्रेंड्स, मेरे पॉइंटर को गौर से देखिएगा, ये है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट डबल फ्लो क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे केस में आप देखेंगे तो ये देखिए, यहां से आपका पानी आ रहा है, पानी आपका ऐसे, सॉरी, यहां से मेरी एयर आ रही है, एयर मेरी ऐसे मूव कर रही है तो पानी आप देखेंगे, पानी मेरा ऐसे मूव कर रहा है, मींस पानी और एयर की डायरेक्शन बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। सो फ्रेंड्स, इस केस में बेसिकली आप याद रखिए, क्रॉस फ्लो के केस में आपका एयर और जो कूलिंग वाटर है दोनों एक दूसरे से बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे मूव करता है, इसको बेसिकली हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ड्राफ्ट डबल फ्लो क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर।
यही अगर मैं सिंगल एक वन साइडेड होता है तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स मेरा इंड्यूस ड्राफ्ट सिंगल फ्लो क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर। सो फ्रेंड्स होप आपको काउंटर फ्लो और क्रॉस फ्लो का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड में हम बेसिकली मूव करते हैं। फ्रेंड्स इस स्लाइड में बेसिकली हम मूव करेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। फ्रेंड्स अगर हम कभी भी कूलिंग टावर की बात करते हैं तो बेसिकली हम बार 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 ये टर्म आपका रिपीट होता है, इसलिए मैंने ये टर्म यहां पे कवर किया है। अगर हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो ये बेसिकली एक मेजरमेंट होता है द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, जो हमारी एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है विद रिस्पेक्ट टू वो टोटल मॉइस्चर अपने में होल्ड कर सकती है उसका रेशियो। फ्रेंड्स दोबारा रिपीट करता हूं समझिएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है इट इज बेसिकली अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, जो भी मेरी एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है ये बेसिकली उसका मेजरमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू द टोटल मॉइस्चर दैट इट कैन होल्ड। फ्रेंड्स एयर में जो भी मेरा करंट में मॉइस्चर प्रेजेंट है विद रिस्पेक्ट टू टोटल मॉइस्चर जो वो होल्ड कर सकती है उसके मेजरमेंट को हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब फ्रेंड्स सेकेंड जानने वाली चीज, जो भी एयर मेरी गर्म होगी तो ऑब्वियस है कि वो ज्यादा मॉइस्चर होल्ड करने की टेंडेंसी रखेगी इन कंपैरिजन टू कोल्ड एयर। थर्ड फ्रेंड्स वाटर विल इवेपोरेट, वाटर मेरा तभी तक इवेपोरेट होगा जब तक मान लीजिए एक तरफ मेरा आपका एयर है बाहर, जैसे जो मैंने आपको पहले के भी लेक्चर्स में बताया एक तरफ मेरी एयर है जिसमें कम मॉइस्चर है एक तरफ मेरा ह्यूमिड सरफेस है, तो एयर तब तक मॉइस्चर एम्बेस करेगी जब तक वो अपनी सैचुरेशन पॉइंट तक नहीं पहुंच जाती है। जैसे ही एयर मेरी मॉइस्चर से सैचुरेटेड हो गई एक इक्विलिब्रियम अचीव होगा और आफ्टर दैट एयर कुछ भी मॉइस्चर अपने साथ में नहीं कैरी ओवर करेगी और इवेपोरेशन नहीं होगा। लास्ट पॉइंट फ्रेंड्स मेरा वही बात बोल रहा है, इवेपोरेशन कैन नॉट बी मोर देन सैचुरेशन पॉइंट ऑफ द एयर। फ्रेंड्स मैं दोबारा रिपीट करता हूं, एयर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी की हम बात करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है मेरा एयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है विद रिस्पेक्ट टू जो टोटल मॉइस्चर है जो एयर मेरी होल्ड कर सकती है। बट फ्रेंड्स होता क्या है कि एयर मेरा जब तक उसका सैचुरेशन पॉइंट नहीं आएगा मीन्स जब तक वो 100% मॉइस्चर से सैचुरेटेड नहीं होगी वो तभी तक मॉइस्चर गेन करेगी। वंस एयर मेरी 100% सैचुरेटेड हो गई आफ्टर दैट एयर थोड़ा भी मॉइस्चर नहीं गेन करेगी। सो फ्रेंड्स इवेपोरेशन कैन नॉट बी मोर देन द सैचुरेशन पॉइंट ऑफ द एयर, इवेपोरेशन जो है वो सैचुरेशन पॉइंट ऑफ एयर से ऊपर कभी भी नहीं होता है। सो फ्रेंड्स होप आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी और इसका क्या यूज है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कूलिंग टावर के केस में ये आपको बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा, बिकॉज रिलेटिव ह्यूमिडिटी ही हमें बताती है कि जो भी एयर है जिसपे बेसिकली जिसकी वजह से हम अपने कूलिंग वाटर को अपना हॉट वाटर को ठंडा कर रहे हैं वो उसको किस लेवल तक ठंडा कर पाएगी, वो बेसिकली हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी के टर्म से ही पता चलता है। फ्रेंड्स हम नेक्स्ट मूव करते हैं, एक टर्म आप बार बार सुनेंगे वेट बल्ब की, वेट बल्ब क्या होता है कूलिंग टावर के केस में हम बार बार वेट बल्ब की बात क्यों करते हैं। सो सबसे पहले फ्रेंड्स वेट बल्ब को समझने से पहले मैं आपको वेट बल्ब और ड्राई बल्ब टेम्परेचर में डिफरेंस बताता हूं। फ्रेंड्स एक थर्मामीटर है मान लीजिए मेरे पास में, मैंने उसको एयर में रखा हुआ है, तो थर्मामीटर का काम होता है बेसिकली एयर का टेम्परेचर या जहां पे भी मैंने रखा वहां का टेम्परेचर मेजर करके देना। अगर उस थर्मामीटर के ऊपर मैं एक गीली रुई लगा देता हूं तो वो जो टेम्परेचर मेजर करके मेरे को देगी वो बेसिकली होगा मेरा वेट बल्ब टेम्परेचर, और अगर मान लीजिए नॉर्मल थर्मामीटर है तो वो जो टेम्परेचर मेरे को मेजर करके देगा वो देगा मेरा ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अब फ्रेंड्स वेट बल्ब टेम्परेचर हमारे लिए क्यों जरूरी है वो समझिए, जैसे ही फ्रेंड्स मैंने एक थर्मामीटर के ऊपर गीला कपड़ा करके लगाया तो वेट बल्ब टेम्परेचर जो है वो मेरा फ्रेंड्स बेसिकली मुझे ये बताता है कि मेरी जो एयर है उसमें कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है। दोबारा समझिए फ्रेंड्स वेट बल्ब टेम्परेचर जो है बेसिकली वो मुझे ये बताता है कि जो भी एयर है मेरी उसमें कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, बिकॉज वेट बल्ब टेम्परेचर फ्रेंड्स ये वो टेम्परेचर होता है जहां पे जो गिवन क्वांटिटी ऑफ एयर है दैट इज सैचुरेटेड विद मॉइस्चर वो 100% मॉइस्चर से सेपरेट कर जाती है। फ्रेंड्स दोबारा रिपीट करता हूं, वेट बल्ब टेम्परेचर बेसिकली वो टेम्परेचर होता है जहां पे जो एयर है वो मेरी 100% मॉइस्चर से सैचुरेट कर जाती है। फ्रेंड्स अगर वेट बल्ब टेम्परेचर आपका कम है इसका मीन्स आपका जो एयर है वो आपकी ज्यादा ड्राई है, और ड्राइयर एयर का मतलब इट कैन होल्ड मोर वेपर देन इट कैन एट हायर वेट बल्ब टेम्परेचर। फ्रेंड्स अब आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी बार बार कि अगर मेरा वेट बल्ब टेम्परेचर कम है इसका मतलब एयर ड्राई है, ये कैसे समझ में आएगा। फ्रेंड्स मान लीजिए मैंने एक थर्मामीटर है जिसके ऊपर एक गीली विक लगा दी, विक मीन्स आपकी रुई बोल सकते हैं, मान लीजिए मैंने एक गीली विक लगा दी है,
अब क्या होगा फ्रेंड्स, अगर जो मेरी एयर है वो एयर मेरी ड्रायर होगी, वो एयर मेरी ड्राई होगी, तो फ्रेंड्स जैसे ही वो एयर उसके कॉन्टेक्ट में आएगी तो वो वहां से ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगी, बिकॉज उसकी जो आपकी मॉइस्चर रिटेनिंग टेंडेंसी है वो ज्यादा है, बिकॉज आपकी एयर में मॉइस्चर नहीं है। तो जब वो ज्यादा मॉइस्चर वहां से लेगी तो आपका जो जो आपकी विक आपने लगाई है थर्मामीटर के ऊपर, वो बेसिकली उसके सरफेस से ज्यादा मॉइस्चर आपका इवेपोरेट होगा, मींस आपकी जो विक है वो ज्यादा ठंडी होगी, जिसकी वजह से आपका जो थर्मामीटर है वो आपकी लोअर रीडिंग देगा। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा, ड्रायर एयर मींस लो वैक बल्ब टेम्परेचर। अगर आपकी एयर ड्रायर है इसका मतलब ये है कि उसका वैक बल्ब टेम्परेचर हमेशा कम होगा, और अगर आपकी एयर वेट है तो उसका वैक बल्ब टेम्परेचर आपका ज्यादा होगा। सो फ्रेंड्स होप आपको वैक बल्ब टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हम कभी भी हम कूलिंग टावर की बात करते हैं तो वैक बल्ब टेम्परेचर की बात क्यों करते हैं, बिकॉज कूलिंग टावर में बेसिकली आपकी दो चीजों का इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी कि मेरी एयर में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, सेकेंड कि एयर का वैक बल्ब टेम्परेचर कितना है, जो बेसिकली मेरे को रिलेटिव ह्यूमिडिटी से ही लिंक करते हैं कि अगर मेरा एयर में आपका ड्राई है तो उसका वैक बल्ब टेम्परेचर कम होगा एंड वाइस वर्सा। तो फ्रेंड्स होप आपको कूलिंग टावर के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे मेरे आज के लेक्चर के। सो फ्रेंड्स होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा पॉसिबल है उतना ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अपने कल के लेक्चर में बेसिकली हम कवर करेंगे कूलिंग टावर के जो इफेक्टिंग मेन पैरामीटर्स होते हैं उनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, जो कूलिंग टावर के परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करते हैं। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।